हेलो फ्रेंड, आलू के तो आप लोग कई तरह के पापड़ बनाए होंगे और खाए होंगे, पर आज मैं आप लोगों के साथ आलू के लच्छे वाले पापड़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 5 बड़े साइज के आलू लिया है, उसे छील के धो के पानी में डुबो के रख दिया है ताकि ये काला ना पड़े। उसके बाद ना अब यहाँ पे हमें एक प्लेट लेना है। उसके बाद ना आप जिससे ग्रेट करते हो ना आलू गाजर वगैरह जिससे ग्रेट करते हो ना उसे ग्रेटर लेना है। और ग्रेटर लेने के बाद ना एक आलू को लेना है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, आप चाहो तो बड़े साइज़ में भी ग्रेट कर सकते हो और छोटे साइज में भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे छोटे वाले से ही ग्रेट किया है, तो सारे आलू को ग्रेट कर लिया है। तो ग्रेट करने के बाद हमें इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये काला या लाल हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमने ना 1 कप के बराबर ना फ्रीजर का पानी लिया है। और अब इस जो ग्रेट किया हुआ आलू है ना अब इस ठंडे पानी में डाल देना है। और जो आलू बचा हुआ उसको भी ग्रेट कर लेते हैं। तो सारे आलू को ग्रेट करके हमने यहाँ पर पानी में डुबो के रख दिया है। अब इसे क्या करना है ना कि फिर से हमें 1 गिलास ठंडा पानी लेना है फ्रीजर का, और उसमें ना ये सारे आलूओं को इसमें डाल देना है। और डालने के बाद ना अब इसे हमें 5 मिनट के लिए ऐसे आलू को डुबो कर छोड़ देना है। सारे आलू को 5 मिनट के लिए डुबो के छोड़ देना है। और 5 मिनट बाद ना फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद ना अब इसे हमें नॉर्मल पानी से 2 बार इसे वॉश कर लेना है। तो चलो फ्रेंड इसे नॉर्मल पानी से धोकर लेकर आते हैं। तो इसे हमने नॉर्मल पानी से धोकर रेडी कर लिया है। तो अब इसे हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ यहाँ पे हमने 2 ग्लास खौलता हुआ गर्म पानी लिया है। और ध्यान रहे हमें खौलता हुआ ही पानी का यूज करना है। उसके बाद ना अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा नमक डालना है। और नमक डालने के बाद ना अब इसमें थोड़े से जीरा डालना है। और जीरा डालने के बाद यहाँ पे थोड़े से कुटी हुई लाल मिर्च डालना है। और लाल मिर्च डालने के बाद ना अब इसमें जो हमने आलू को ग्रेट करके रखा था ना वो सारे आलू को हमें इसमें डाल देना है। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सारे आलूओं को ना इसमें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है कि ताकि सारे आलू अच्छी तरह से डूब रहे पानी में। उसके पास एक ढक्कन से इसे ढककर 20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है ताकि आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 20 मिनट बाद अब इसे हम चेक करते हैं। तो 20 मिनट बाद ना अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें आलू को उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उबालने से ना इसके सारे लच्छे मतलब आलू उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो अब इसे पानी से छान लेना है। तो सारे आलू को हमने पानी से छान के रेडी कर लिया है। तो अब इसे हम रख देते हैं थोड़े साइड में। और अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ हमने यहाँ पे ना एक बड़ी सी प्लास्टिक शीट को बिछा के रख दिया है। और रखने के बाद वो जो हमने आलू को छान के रखा था ना पानी से उसे लेना है और ऐसे करके इसमें चारों तरफ से ऐसे फैला देना है। ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, बस लेना है और ऐसे इसे फैला देना है। फिर सेम प्रोसेस है, दूसरी बार भी वही थोड़े से आलू को लेना है, ग्रेट किए हुए आलू को लेना है और ऐसे लेकर इसे चारों तरफ ऐसे करके फैला देना है। बहुत ईजी है फ्रेंड। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। तो ऐसे करके फैला दिया। तो सारे आलू के लच्छे पापड़ को हमने ऐसे ही बनाकर रेडी कर लिया है। तो आप चाहो ना तो इसे पंखे के हवे में भी सुखा सकते हो, बट हम इसे धूप में सुखाएंगे पूरे दिन, क्योंकि धूप में सूखने से ना इसे आप स्टोर करके रखोगे ना तो ये पापड़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो हमने पूरे एक दिन इसे धूप में सुखा लिया है। तो एक दिन पूरे धूप में सुखाने के बाद ना हमारा ये जो पापड़ है ना बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब सूख चुका है। तो सारे पापड़ को बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुका है, आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से सूखा हुआ है। तो चलो फ्रेंड आप इसे फ्राई करके भी दिखा देते हैं। तो फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल गरम करना है और फिर से इस पापड़ को ना हमें इसी में डालना है और उलट पुलट के इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और ज़्यादा देर हमें इसे
पापड़ को ना तेल में नहीं रखना है, नहीं तो ये कलर चेंज होने लगेगा। तो एक को हमने ऐसे फ्राई कर लिया है, सेम दूसरा प्रोसेस भी वही है, पापड़ को इसमें डालना है और उलट पुलट के इसे फ्राई कर लेना है। हमें ज़्यादा देर पापड़ को तेल में नहीं रखना है। तो दूसरा भी रेडी हो गया। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।